एनडीवी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं जोया खान आपका स्वागत करती हूँ। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार पकड़ी गई मादा तेंदुआ, दो दिन पहले बच्ची को किया था गंभीर रूप से घायल। राजेश टोपे ने कोरोना के संदर्भ में दी प्रतिक्रिया, आरोग्य भर्ती संदर्भ में जल्द ही परीक्षा ली जाएगी, ऐसी जानकारी राजेश टोपे ने दी। और पानी की टंकी पर चढ़कर महिला सांसदों ने किया शोले शैली का आंदोलन, दूल्हे में पानी की समस्या हुई गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। दो दिन पहले अपने घर के आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय भीड़ ने रात भर वन विभाग के 10 अधिकारियों को बंद कर दिया था। उसके बाद विभिन्न टीमों ने बाघ तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। अब आखिरकार उसे पकड़ने में वन विभाग ने सफलता प्राप्त की है। ऊर्जा नगर क्षेत्र में बाघ तेंदुए के हमले में लगातार वृद्धि हुई है, जहाँ विभिन्न स्थानों पर वन्य जीवों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे लगाए गए हैं। दो दिन पहले घर के आंगन में खेलते समय तेंदुए के हमले में 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसी बीच विभिन्न दल बाघ तेंदुए की तलाश कर रहे थे, लेकिन आज सुबह एक मादा तेंदुआ सिनाला भटाला गांव के पास बनाए गए पिंजरे में फंस गई। मादा तेंदुए को पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जांच के बाद चंद्रपुर वन्यजीव देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया है। दुर्गापुर ऊर्जानगर क्षेत्र में अब तक एक बाघ और 2 तेंदुए को पकड़ लिया गया है। चंद्रपुर वन परिक्षेत्रातील दुर्गापुर नियत क्षेत्रात असलेल्या दुर्गापुर मधील वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 ऊर्जानगर कुंडी या परिसरात मागील 3 महिन्यापासून धुमाकूळ घालणारा बिबट मादी, जो मानवी जीवितास धोकादायक ठरलेला होता, याला पकडण्याकरिता आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयाकडून शूटआउटचे ऑर्डर प्राप्त झाले होते। जनतेत बिबट वारंवार हल्ले करत असल्यामुळे फार आक्रोश होता आणि आम्हाला त्याला पकडण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते आणि आम्ही सदर मोहीम कंटिन्यू राबवत होतो आणि दिनांक 13/5 आम्ही त्याच्या मागावरच होतो आणि त्याला शूटआउट न करता जेरबंद करणे ट्रँगुलाइज करून जेरबंद करण्यात आम्ही यशस्वी झालो। नागपूर के कपिलनगर थाना अंतर्गत सूत्रों के हवाले से मिली खबर में 4 जगह चोरी की वारदातें सामने आई हैं। ये घटना CCTV में कैद हुई है। चोरों ने घर का लॉक तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया है, साथ ही घर की हालत गंभीर बनाई हुई है और सामान भी तहस महस हालत में नजर आ रहा है। PKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। कपिलनगर पुलिस थाना क्षेत्र में IPL मैच के ऊपर सट्टा खेले जाने की जानकारी गुप्त खबरियों की मदद से पुलिस को प्राप्त हुई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी 37 वर्षीय अमनदीप सिंह हरजीत सिंह धनलाल गुरुतेज बहादुर नगर कपिलनगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी 34 वर्षीय सुरेंद्र शंकर सूर्यवंशी कपिलनगर का रहने वाला है। आरोपियों से 2 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, पेन ड्राइव, इंटरनेट डोंगल, USB कनेक्टर और 5,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कुल 81,305 रुपयों का माल पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। हाँ, हमारे गुप्त जो बातमीदार है उन्होंने बातमी दिया था कि कपिलनगर पुलिस थाना हद में गुरु तेग बहादुर नगर है, तो वहाँ पे ये क्रिकेट के जो IPL के मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर सट्टा पट्टी के गेम चल रहा है, तो हमारे API मुलानी साहब और उनकी टीम साथ में लेके गया मैं। तो ये जो आरोपी नंबर 1 है अमनदीप सिंह हरजीत सिंह, तो इसके घर पे ये चल रहा था, उसका एक जोड़ीदार है सुरेंद्र शंकर सूर्यवंशी, ये जो खेलने वाले लोग हैं उनसे ये लेता है और आगे ये अमनदीप के पास फॉरवर्ड करता है। तो हमारी कल रेड सक्सेस हुई, तो जब्त मुद्दे माल में है कि 2 मोबाइल है, एक लेनोवा कंपनी का लैपटॉप है और एक पेन ड्राइव है सैंडवास्ट कंपनी का, और ऐसा मुद्देमाल है और रोक रकम है 5,000 रुपये, ऐसा टोटल 81,000 का माल है। तो आरोपी को पूछताछ किया तो ये जो आरोपी नंबर 2 है ये मतलब कस्टमर लोगों से लेने का काम करता है और
अमनदीप फाइनेंसर जैसा काम करता है। तो अभी छानबीन चल रही है, आगे देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो इसमें कुल कितने आरोपी अटक है और इसमें जो जो मेन जो आरोपी है जो खिलाड़े थे इसके ऊपर हाँ नहीं वो रिकॉर्ड चेक किया उसके ऊपर अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आगे क्या लिंक है वो देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आता है। आरोपी दो आरोपी है और दोनों अटक है। जनता से मेरी अपील है अगर इस प्रकार की जहाँ भी कुछ कार्रवाई चल रही है किसी को मालूम है तो कृपा करके हमें बताइए, उनका नाम एकदम गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई करनी है ताकि बड़े बड़े जो भूखी लोग जो छुपके छुपके कर रहे हैं उनके तक हम पहुंच सके। तो मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि अगर कुछ मालूम है तो हमसे कृपया शेयर करें। राजेश टोपे का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि चौथी लहर है, वर्तमान में छोटी संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पहले बड़ी संख्या में रोगी थे, मुंबई पुणे नासिक ठाणे में रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई है जिसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई जिसमें मरीज की हालत गंभीर नहीं थी, हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या में हल्के लक्षण होने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य भर्ती को लेकर जल्द ही जांच होगी। मी युवा अध्यक्ष आमचे जे आहेत त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करीन सनी मानकरचं आणि त्यांचा हा नवीन एक संकल्पना आहे। मला वाटतं की बऱ्याचदा असं असतं की मंत्र्यांच्या माध्यमातून युवकांच्या मनातले अनेक प्रश्न असतात, ते प्रश्न प्रॉपरली त्याचे आन्सर्स मिळावेत, त्याचे उत्तर मिळावेत आणि अगदी घरगुती वातावरणात मिळावे अशी त्याची मागची संकल्पना असते। आणि ही सगळी तरुण मुलं बऱ्याचदा ते प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांना संधीच नसते, तर ती संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम सनींनी केलं आहे आणि त्याबद्दल मी त्याचं मनापासून कौतुक करेल आणि त्याचं अभिनंदन करेल। सर, आरोग्य भरतीच्या संदर्भात पुन्हा परीक्षेचं काय नियोजन आहे आणि रद्द करण्यात आली नोटिफिकेशन? आरोग्य भरतीच्या संदर्भाने माझ्याकडे फाईल आता आलेली आहे ज्यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री या दोघांशी पण मी चर्चा केली आणि त्यानंतर मग त्यांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आमच्या विभागाचं मतही आहे। एक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन ज्याला मी म्हणतो की बाबा लोकांना पण असं वाटू नये की कुठेही काहीतरी चुकीच्या मार्गाने सिलेक्शन झालं आहे असं अजिबातच संशय जर ठेवू द्यायचा नसेल तर नक्कीच पुन्हा परीक्षा घेतलेली बरी अशा स्वरूपाचं एक जनरल मत आता सध्या राज्यांच्या प्रमुखांचं सुद्धा तयार झालेलं आहे। आता प्रश्न असा आहे की हे मला मान्य आहे की गट डमध्ये जसं पेपरच व्हायरल झाला होता तो व्हायरल झाल्यानंतर तो किती लांब गेला असेल त्याची कल्पना न केलेली बरी, त्यामुळे आम्ही ड मी फ्लोअर ऑफ द हाऊसवरच स्पष्टपणे सांगितलं की ड ची परीक्षा पुन्हा होणारच। फक्त क बद्दलचा प्रश्न होता की जो आजपर्यंत इथले जे कमिशनर पोलीस पुणे आहेत त्यांनी आणि त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशन टीमनी कुठेही सांगितलं नाही की हा क चा पेपर व्हायरल झाला म्हणून, पण कच्या बाबतीतला एक प्रश्न असा आहे की काही लिमिटेड 500 लोकांपर्यंत हा जरी पेपर गेला असेल तरीसुद्धा कच्या पेपरच्या बाबतीतला विषय असा आहे की दोन टप्प्यात परीक्षा झाली, सकाळी आणि संध्याकाळी। त्यातला जो 60 मार्क्सचा जो जनरल नॉलेजचा जो विषय तो कॉमन होता, मग असं वाटतं की कधीकधी की ते कॉमन पेपर कॉमन असल्यामुळे काही झालं असेल का, ते जर तरचा प्रश्न आहे। पण या सगळ्या कारणांमुळेच काही महिने त्यामध्ये थोडी स्थगिती आम्ही दिली होती की विचार करा, पोलीसचा रिपोर्ट येऊ द्या, पण पोलीससुद्धा स्पष्टपणे असं सांगायला तयार नाही की हो इतक्यापर्यंतच सीमित आहे, इथे इथून पुढे नाही। नागपूर क्राईम ब्रांच पुलिस ने नागपूर के गणेशपेठ थाने अंतर्गत वेश्याद्य व्यापार में शामिल एक गिरोह के खिलाफ जाल बिछाकर उनका पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाई पुलिस ने छापा मारकर की है। आए दिन देह व्यापार के धंधों में बढ़त देखने को मिल रही है, ऐसा ही एक मामला नागपुर के गणेशपेठ इलाके में सामने आया है। नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने जाल बिछाकर वेश्यावृत्ति व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 मई को होटल ब्रिगिन में छापेमारी कर दो पीड़ित लड़कियों को रिहा करवाया और आरोपी प्रीतम दहीकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि इसमें 4 और आरोपी शामिल थे। ये जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर ललिता तोड़ से ने दी है। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। दिनांक 9/5/2022 रोजी आम्हाला गुप्त बातमीदाराद्वारे माहिती मिळाली की हॉटेल ब्रिज इन इथे एक दलाल मुलींना तिथं पुरवून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी त्यांना पीडित मुलींना पैशाचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसाय त्यांच्याकडून करून घेत आहे। अशा माहितीची आम्ही शहानिशा केली आणि
स्टॉप आणि आम्ही सर्व सापळा रचला आणि सापळा रचून त्या ठिकाणी आम्ही कारवाई केली. हॉटेल ब्रिज इन इथे दोन रूममध्ये दोन पीडित मुली मिळून आल्या. यामध्ये आम्ही त्या पीडित मुलींना ताब्यात घेतले आणि आरोपीलासुद्धा आम्ही ताब्यात घेतले. यामध्ये चार आरोपीचा समावेश आहे. ही कारवाई गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत आम्ही केलेली आहे. माननीय DCP सर चिन्मय पंडित आणि ACP सर रोशन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही कारवाई केलेली आहे. आणि यामध्ये एका आरोपीला आम्ही अटक केली आणि बाकी आरोपी गणेशपेठ पोलीस स्टेशन पुढील कारवाई करत आहे. आणि दोन पीडित मुलींना आम्ही यामध्ये त्यांची सुटका केलेली आहे. ह्या मुली एक मुलगी दिल्ली इथून आलेली आहे आणि एक मुलगी मुंबई इथून आलेली आहे. मग या ज्या मुली आल्या त्या काय म्हणजे स्टुडंट आहे की तिथे काय काम करतात त्यांना काय आम्ही दिलो. त्यांना जो आरोपी आहे त्याचं नाव काय आहे. याआधी बी त्याच्यावरती काही कारवाई झाली असं माहिती बोलला आहे. कोण आरोपी प्रीतम दहीकर म्हणून आहे. तो आणि त्याची वाईफ हे दोघं जण आहे. आणि दुसऱ्या मुलीचा आरोपी हा समीर म्हणून आहे. नाव कदाचित हे असू शकते समीर आणि राजेश म्हणून. प्रीतमवर एक गुन्हा दाखल झालेला आहे. याच्या आधी गुन्हा दाखल आहे पिटा ॲक्टनुसार. आणि राजेशवर पण एक गुन्हा दाखल झालेला आहे. आणि या मुलींना त्या ज्या तिथे दिल्लीला आणि मुंबईला आली होती काय काम धंदे करायची. ह्या हाऊसवाईफ आहे. यांना कसं पैशाचे आमिष दाखवून त्यांना इथं आणल्या गेलेलं आहे. आणि त्यांच्याकडून हे आरोपी हे दलाल म्हणून काम करत होते आणि यांच्याकडून हे वेश्या व्यवसाय करून घेत होते. मीडियम मध्यमवर्गीय आहे. तसं पीडिताविषयी जास्त काही हे करता येत नाही माहिती सांगता येत नाही त्याच्यामुळे एवढंच हे करते. वक्त हो चला एक ब्रेक का. मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है. पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. NIA ने दाऊद गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा शुरू किए गए एक ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर छोटा शकील के दो साथियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 59 वर्षीय आरिफ अबूबकर शेख और 51 वर्षीय शब्बीर अबूबकर शेख के रूप में हुई है, जबकि उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है.
विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती और अकोला शहर में गर्मी में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जाता है। इसलिए विदर्भ में रहने वाले बहुत से लोग मई के महीने की भीषण गर्मी में स्थिति के बारे में सोचकर विदर्भ में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। विदर्भ के इन 4 से 5 शहरों में देश के अन्य शहरों की तुलना में तापमान में इतनी वृद्धि क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस खोज के बाद कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आई है। चूंकि विदर्भ कर्क रेखा के बहुत करीब है, सूर्य की किरणें सीधे विदर्भ पर पड़ती है। साथ ही इस क्षेत्र में कोई पठार या पहाड़ नहीं है, ये एक समतल भूभाग है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू के मुताबिक विदर्भ के नागपुर, अकोला, चंद्रपुर और वर्धा में दिन का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। रात का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नतीजतन चंद्रपुर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है। विदर्भ के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है। विदर्भ काफी गर्म रहता है और यहाँ पे ज्यादातर मतलब अगर अधिकतम नहीं तो सेकंड थर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर तो विदर्भ का आता है। तो जो राजस्थान के बाद सबसे गर्म जो है वो विदर्भ रहता है। तो इसका कारण ये है कि पहली चीज तो ये होता है कि एंटी साइक्लोनिक जो मूवमेंट होता है वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, उसके एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण में नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड है, मतलब राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं आती है जो शुष्क और ड्राई होती है और हॉट होता है, तो उसके कारण हमारे यहाँ पे एक तो टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन जो होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हम लाइन ऑफ कैंसर के काफ़ी क्लोज है, तो वो एक इफेक्ट होता है कि एक डायरेक्ट सोलर रेडिएशन काफ़ी मिलता है, दूसरा विंड के थ्रू भी ड्राई एंड हॉट विंड आती है, और तीसरा रीज़न ये है कि इस एरिया में जो है प्लेन लैंड ज़्यादा है, यहाँ पर हिली एरिया नहीं है, तो इसलिए इस एरिया में जो है सॉइल जो है वो काफ़ी गर्म होता है। यहाँ की ज्योग्राफी इस टाइप से है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। चंद्रपुर वगैरह जो है ये सबसे हॉट इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी माइंस हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट है, तो पॉल्यूशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण जो है वहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह से 1-2 डिग्री ज़्यादा मिलता है। तो ये मूल कारण है, इनके कॉम्बिनेशन के कारण जो है विदर्भ काफ़ी गर्म होता है। धुले शहर में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई और शोले स्टाइल आंदोलन किया। साथ ही सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने साथ आकर आंदोलन किया। धुले शहर में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों में पानी के मुद्दे पर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित समाचार के आधार पर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में करीब 8-10 दिन बाद पेयजल आपूर्ति हो रही है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए शहर के वार्ड नंबर 3 के दौरान वार्ड की महिलाएं पार्षद नाजिया नासिर पठान के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई और शो स्टाइल आंदोलन किया। धुले जिले में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ने से एक और जहां लोगों को भीषण गर्मी झेलते हुए पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संबंध में जनप्रतिनिधि बार बार धुले नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस संबंध में गंभीर नहीं है, इसलिए जनप्रतिनिधि आक्रामक हो गए हैं और आज ये अतिवादी कदम उठा लिया है। इसके बाद आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि धुले नगर निगम प्रशासन और सत्तारूढ़ भाजपा आंदोलन पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द जलापूर्ति की योजना तैयार करेगी। प्रभाग क्रमांक 3 की नगर सेविका नाजिया नासिर पठान, आज हम नौरंग टाकी के ऊपर सब लेडीज मिलकर यहाँ पर आंदोलन किए टाकी के ऊपर चढ़कर। हमारे शहर में पानी की बहुत तकलीफ है, 15 से 20 दिन पानी नहीं मिलता है। इतने कड़क धूप के अंदर हमें पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से हमारी सारी लेडीज़ यहाँ पर जमा होकर हम आंदोलन किए। मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, ये विनती है कि अगर उन्होंने पानी की समस्या हल नहीं की तो हम इससे बड़ा आगे जाकर आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। हम सोहेवी नगर पालिका को जगाने के लिए यहाँ पर पानी की टाँकी पर खड़े होकर आंदोलन किए। आज इतनी धूप में हमारी लेडीज़ चलकर आई और इतने ऊपर इतने सारे बुजुर्ग लेडीज़ हैं हमारी, उनसे नहीं भी चला गया तो ऊपर चढ़कर वो टाँकी के ऊपर आंदोलन किए, क्योंकि पानी की इतनी तकलीफ है। पानी इतनी धूप में लेडीज़ हमारी हंडा ले लेकर इधर से उधर भटकती है, तो हम इससे ज़्यादा आंदोलन करेंगे। मेरी यही उनसे विनती है कि हमें पानी की जो समस्या है उसको हल करो, उसका कोई हम बार बार नगर पालिका में तकरार करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमारे पानी का जो निवेदन है उसको सही करो, लेकिन नगर पालिका हमारी इसके ऊपर तवज्जो देती नहीं, वो हाँ कर कर टाल देते हैं हमारी बात को। बार बार हम तकरार कर रहे हैं इसी बात पर। हमारी जो मैं एक अपने स्टैंडिंग की सदस्य हूँ स्थायी समिति की, बार बार स्थायी अपनी जो
स्थायी समिति की जो अपने साप्ताहिक वो है सभा, उसके अंदर बार बार हम बोलते हैं लेकिन उस पर हम कोई अमल बजौनी नहीं है। सभापति साहब बोलो, सत्ताधारी बोलो, प्रशासन बोलो, हाँ करके हमारी बात को सुनते हैं, उस पर कोई अमल बजौनी नहीं है और हमारे नागरिक को पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भुसावल में कहा है कि राज्य में पिछले 23 दिनों से कोई लोड शेडिंग नहीं है और अब कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री आज जलगांव जिले के दौरे पर है और जलगांव जिले के भुसावल में दीप नगर ताप विद्युत गृह का निरीक्षण करेंगे। नहीं, राज्य मध्ये कोणत्याही प्रकारचं गेल्या 22-23 दिवसापासून भारनियमन नाही आणि जे काही बावड्या ठिकाणी उठतात, मला एक सांगा, वादळ आलं तर ट्रिपिंग होतं आणि उष्णता खूप वाढली तर ट्रान्सफॉर्मरसुद्धा एखाद वेळेला त्या ठिकाणी डिफॉल्ट होऊ शकतो आणि अशा वेळेला जर लोक म्हणत असतील की त्याला भारनियमन, तर ते भारनियमन नाही आहे। भारनियमनचा अर्थ असा होतो की तुमच्याकडे 3 तास 4 तास त्या ठिकाणी लोडशेडिंग होतं, भारनियमन होतं, त्याला भारनियमन म्हटलं जातं। पण गेल्या 22-23 दिवसापासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचं भारनियमन नाही आणि यापुढेही सुद्धा राहणार नाही आणि ते आम्ही होऊ देणार नाही। बरादरी क्षेत्र में एक पुलिस कॉलोनी के पास कोविड सेंटर क्षेत्र में खड़ी एक कार में आज दोपहर को आग लग गई। क्षेत्र के निवासियों ने वाहन को आग के लपटों में घिरा देखा तो तुरंत दमकल विभाग से संपर्क किया। बरादरी क्षेत्र में एक पुलिस कॉलोनी के पास कोविड सेंटर क्षेत्र में खड़ी एक कार में आज दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। क्षेत्र के निवासियों ने वाहन को आग के लपटों में घिरा देखा क्योंकि क्षेत्र से धुआं उठ रहा था। नागरिकों ने तुरंत दमकल विभाग से संपर्क किया और दमकल को सूचना दी। हालांकि जैसे ही दमकल की गाड़ी मौके पर देर से पहुंची, आग भीषण रूप ले चुकी थी और इलाके में खड़ी कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पता चला है कि कार शिवाजीनगर थाने में कार्यरत नील सिंह चौहान की थी और वाहन को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। दमकल विभाग को रावण पहाड़ी से शहर तक पहुंचने में हमेशा बहुत देर हो जाती है। सड़क के किनारे कुछ जगहों पर स्पीड ब्रेकर भी लगाए गए हैं, इसी कारण वाहन मौके पर पहुंचने में देरी कर रहा है। नतीजतन आग लगने की कुछ घटनाएं हुई है। आज वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।